सो हेलो गाइस, आज की वीडियो का देख तड़कता भड़कता होने वाला है, सो एंड तक जोर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। क्या आप लोगों को भी गोल से मास्टर मारना है? क्या आप लोगों को भी रैंडमली बंदे के साथ पीडिएटर जाना है? सो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। आपका भाई का आज का लाइक है मैं 50 लाइक्स एंड 20 सब्सक्राइबर्स। सो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो एंड सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। सो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक, वो भी एपेक्स लेजेंड मोबाइल के मैप्स के बहुत सारे रिलेटेड बताने वाला हूँ। सो नंबर 5 पर जो आता है भाई साहब, आप लोग जो है भाई अकेले एक तो रैंडमली खेलते हो बहुत सारे बंदे, ऊपर से आप लोग हॉट ड्रॉप पे उतरते हो, ऊपर से ये भी सोच लो तो कि हम कर जाएंगे रैंक पुश। सो ये गलत माइंड से हटा दो कि आप लोग रैंडमली खेल के आप लोग जो है हॉट ड्रॉप पे मत उतरो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, हॉट ड्रॉप जैसे ये जो नीला वाला लाइन बना है, इसको एक हॉट ड्रॉप पकड़ सकते हो, और दूसरा जो है ये जहाँ पर पटाखे फूटते हैं जो प्लेन उतरा है ना, ये भी एक हॉट ड्रॉप है, ठीक है। सो ध्यान से उतरना एंड इन सारी जगहों को अगर रैंडमली खेलते हो तो अवॉइड ही करो, ठीक है। पहले अच्छे से लूटो, उसके बाद मारने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा किल मैटर नहीं करता, यहाँ पर तुम्हारा असिस्ट एंड तुम्हारा सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से खेलना। सो अब आते हैं अपने नंबर 4 पर। सो नंबर 4 पर क्या है? सो गाइस देखो, नंबर 4 पर ये है, अगर आप लोग रैंडमली खेल रहे हो तो अपने रैंडमली बंदों के साथ ही रहो। अब बहुत लोग क्वेश्चन करोगे, सो मैं उस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 पे दूंगा, ठीक है। सो उनके साथ ही उतरो, उनके साथ पास रहो, क्योंकि रैंडमली बंदे जितने भी हो भाई, मेरे साथ जितने भी रैंडमली बंदे, मैं जो गेम प्ले खेल रहा हूँ ये भी रैंडम के साथ ही है, बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत सारे ही, मतलब ज़्यादातर ही अच्छे गिरे हैं मेरे साथ तो कभी बुरे बंदे आए ही नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो उनके साथ जाने की, वो कहीं पर भी जाए, अगर वो सर्वाइवल जगह पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो कुछ मतलब जैसे कि हॉट ड्रॉप्स में उतरते हैं तो मैं उसकी जवाब जैसे बोला कि मैं नंबर 3 पर दूंगा, ठीक है। सो अब आते हैं नंबर 3 पर। सो नंबर 3 पर जो होता है वो भी एक टिप है, ठीक है। सो नंबर 3 पर जो है वो है, अगर रैंडमली बंदा हॉट ड्रॉप पे एकदम बॉट्स की तरह मतलब हॉट ड्रॉप पे उतरता है एंड उसको खेलने वेलना कुछ भी नहीं आता, ये तो आपको भी नहीं पता कि वो कैसा खेलता है, क्योंकि वो एक रैंडम बंदा है, ठीक है। अगर वो हॉट ड्रॉप में उतर रहे हो, वो भी ऐसे घरों पर जहाँ पर बहुत सारे बंदे उतर रहे, सो उसको बोलो भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, बस सीधी सी बात है, भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, तुम अलग से कहीं और पर उतर जाओ जहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो, जहाँ पर देख के लग रहा है कि 2-3 घर है जो सिर्फ मेरे को ही मिलेगा, मैं लूटूंगा बस, किसी कोई और वहाँ पर उतर नहीं रहा, वहाँ पर उतर जाओ आप। अब आप देखो जो चीज़ आती है वो मैं बताऊँगा नंबर 2 वाले टिप्स पर। सो अब आता है नंबर 2 पर। अब उतरने के बाद क्या करना है? लूट वूट तो लिया, दोस्त के साथ हो नहीं, अब अकेले तो 3 बंदों के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हो सकता है उनका टीम है, उनके बात सुनेंगे तो टीम कॉम्बिनेशन से आपको पीटेंगे। सो देखो अब आता है नंबर 3 पर, जो है बहुत ही मस्त टिप है, ठीक है। सो नंबर 3 पर जो है, अगर आपका बंदा हॉट ड्रॉप पे उतरने के बाद आप देख रहे हो कि बहुत देर तक ही अभी तक जिंदा है और वो बंदा किल भी किया है, सो आपको अभी कुछ नहीं करना, उसके पास चले जाना है, समझ जाना है वो बंदा अच्छा खेलता है। और अगर देखो कि वो बंदा मर चुका है तो कोशिश करो जब वहाँ पर बंदे ख़त्म हो जाए तब उसका जो बैनर लेके, बैनर ज़्यादातर तक नहीं रहता, फिर भी अगर मतलब वहाँ पर बहुत देर तक ही मारपीट होती है तो उसको तो छोड़ ही दो, मतलब उसको रिवाइव मत ही दो, आपके प्लस के ऊपर अभी ध्यान दो, ठीक है। अगर देखते हो कि बहुत जल्दी मतलब उसका बैनर लेने से पहले, मतलब बैनर का टाइम ख़त्म होने से पहले वहाँ पर बंदे सारे ख़त्म हो गए, तो आप लोग कोशिश कर सकते हो उसको बचाने की, इससे आपका टीम मेंबर अभी समझ जाएगा कि ये बंदा अच्छा है तो आपके साथ रहेगा। सो देखो अभी जो मेन मुद्दा है ना नंबर 1, सो इसके ऊपर बहुत सारे बंदे सोचेंगे कि इस पर क्या आएगा। सो इस पर कुछ भी नहीं है, इसमें मैं अपना ही एक गेम प्ले शेयर करूँगा जो बहुत लोगों के साथ होता है। सो उसके बाद भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि रैंडम्स के साथ जो है पुश नहीं हो सकता, है ना। अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेलते हो तो मैं एक लेजेंड का जो है आपको कॉम्बिनेशन दे देता हूँ। देखो
आप अगर रैंडम्स के साथ खेलते हो ना तो कोशिश करो ऑक्टेन, फेड, रेथ, कॉस्टिक ये सारी लेजेंड्स को लेकर खेलने की, क्योंकि ये सारे एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, आपको डिफेंड करने में अलग से डैमेज देने में। कॉस्टिक एक बहुत ही खतरनाक वाली जगह से निकलने के लिए, वर्थ, ऑक्टेन एंड जो है फेड आपको मदद करेगा। सो आपको टीम की तब थोड़ी बहुत जो मदद है वो आपका लेजेंड कर देगा। सो मतलब समझ ही सकते हो कितना तरकता भड़कता ये टिप है। सो बस लास्ट में एक बोनस चीज़ दूंगा जो मेरे साथ हुआ है, सो वो देखो। सो आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये जो रैंडम्स बंदे के साथ ही है, एंड जो बैकग्राउंड में गेम प्ले देखा ये उसका ही लास्ट सीन भी है। मतलब एक ही साथ मेरा जो है दो दो चीज़ निकल गया भाई साहब, कतई लक था कल, ठीक है। सो देखो मैंने पहले ग्रेनेड किया, मैंने सोचा था यहाँ पर बंदे, लेकिन लिटरली वहाँ पर बंदे थे, मतलब मैंने देखा था लेकिन शायद से वो कहीं से तो निकल गया। उसके बाद मैंने कॉस्टिक का यूज़ किया क्योंकि मेरे को अलग से डैमेज की ज़रूरत है। सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ जो है ऑक्टेन, एंड सबसे पहले इसको ख़त्म किया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कोशिश किया, एंड भाई क्या क्या मैं गेम प्लेस भी डालूँ, कैसा है मेरा गेम प्ले बताना है कमेंट बॉक्स में बताओ। उतना तगड़ा तो नहीं है लेकिन बताना। सेंसिटिविटी चेंज होने के बाद मेरा गेम प्ले थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है, पहले से पहले और ज़्यादा अच्छा था मेरे हिसाब से, तो मेरे को लगता है ऐसा। देखो मैंने जो पुश कर दिया वो भी कॉस्टिक का जो मेन एबिलिटी है उससे, लेकिन यार ये चीज़ उनके तक पहुंचा ही नहीं। उसके बाद मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने जो ट्रैप्स डाल दी उनके पास में ताकि ये भी एक्टिवेट हो जाए, लेकिन एक को मार पाया। दूसरे जब इसने जो है दूसरे ने बमारमेंट उसका जो बैंगलोर है एंड कट गया मेरा, एंड ये जो बंदा है ये रैंडमली बंदे हैं रैंडमली, ये गलती से भी मत सोचना कि जब तक आपके पास एक भी बंदे नहीं है तब तक ये आपको रिवाइव नहीं देंगे। ये तो पता नहीं कैसे भाई मेरे को इस जगह पर ही रिवाइव देने लग गया था। सो बस यार वीडियो यहीं तक था, चैनल को सब्सक्राइब कर।